सो गाइस, बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ पैसे बिग बॉस के घर में ही खो गए, और वो भी पूरे 25 लाख। यकीन नहीं आता तो खुद सुनिए। खोए हुए 25 लाख वापस पाने का गोल्डन चांस लाए गोल्ड। इतने सारे कैमरास के बीच में इतना बड़ा अमाउंट बिग बॉस के घर में खो कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में पैदा करता है। और हमें ये भी यकीन दिलाता है कि रातों रात बिग बॉस ने सारे कैमरास बंद करके खुद आए और 25 लाख का अमाउंट चुरा के ले गए। और तो और, बिग बॉस ने यहाँ पर भी गेम खेल दिया कि खुद पैसे चुराए और सभी कंटेस्टेंट के ऊपर इल्जाम ठोक दिया कि अब 25 लाख कहाँ पर है, इसके जिम्मेवार तुम हो। अब बताइए, वो तो बेचारे भोले भाले कंटेस्टेंट, वो तो अपना गेम खेलने आए हैं, वो क्या 25 लाख रुपए चुराने आए हैं? अरे बिग बॉस, तुम्हें 25 लाख रुपए की जरूरत थी तो कम से कम कह देते, एक एक रुपए जनता सब दे रही थी, 25 लाख रुपए तुम्हारा भला हो जाता। बेचारे इन कंटेस्टेंट का क्या कसूर है यार, उनके ऊपर क्यों खामखा आप ब्लेम डाल रहे हो? चलो वो सब तो ठीक है, मगर गोल्डन गाइस का बिग बॉस के घर में आने का क्या मकसद है, ये कोई नहीं जानता। क्या आपने सोने के बल पे आए? नहीं। क्या आपने जागने के बल पे आए? नहीं। क्या आपने फेम के बल पे आए? नहीं। वो साला फेम तो है ही नहीं। मगर ये जाने माने गोल्डन गाय अपने गले के अंदर इतना ज्यादा सोना पहनने के बावजूद सोशल मीडिया में बने रहते हैं लगातार, और मुझे लगता है कि कोई चोर अगर इनकी चोरी करने भी आएगा तो वो पूरी गर्दन ही उतार के ले जाएगा, क्योंकि गर्दन ही काम की है, बाकी शरीर तो किस काम का। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात का जवाब चाहिए कि इतना ज्यादा वजन लेके गले में किस तरीके से घूमा जा सकता है, ये कोई इनसे पूछे। और जो अंदर कंटेस्टेंट सवाल कर रहे हैं, इतना वजन लेके कैसे घूम सकते हैं? बचपन से। देखो भाई, कहना है कि बचपन से, यानी कि बचपन से पैदा होते ही इन्होंने सोना देखा है और गले में इन्होंने चेने डाली है, जंजीरें डाली है। हमारे यहाँ तो बकरों को जंजीरें डाली जाती है क्या? चलो बात की बात, चलो वो सब छोड़ो। जैसे बिग बॉस के घर में गोल्डन गाय आते हैं वैसे ही लड़कियों का दिल पिघल जाता है, साला गेम ही भूल जाती हैं अपना, इन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं, लाइफ सॉर्टेड ब्रो। मतलब इन लड़कियों की ना तो ट्रॉफी की चिंता, ना इनको अपने गेम की चिंता, और ना अपने फैमिली की चिंता, इन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं, काम आएगा है। गले में जंजीरें क्या देख ली, ये हमारे काम आएगा, इन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं। इसे कहते हैं देखे हुए पे विश्वास करना, देखा हुआ सोना लूटना। और इन लोंडियों को ये नहीं पता कि ये इतना सारा गोल्ड खुद मेहनत करके भी कमाया जा सकता है, मगर नहीं, इन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं। मगर नहीं, हम दो हैं ये भी दो हैं, जैसे ये चर्चाओं में रहते हैं वैसे हम भी चर्चाओं में बन जाएंगे, हम भी इतना गोल्ड पहन के घूमेंगे। तो भैया पहले बता रहा हूँ, अपने गले में इतनी ज्यादा हिम्मत रख लेना ताकि इतना सारा ये जंजीरें पहन सको, क्योंकि भैया इनकी फैमिली का एक रूल है, बंदे में जान होना हो, शरीर में जान होना हो, मगर गर्दन में जरूर जान होनी चाहिए। पता चलता है कि इतनी सारी जंजीरें पहनने के बाद गर्दन ऐसे तय हो गई तो कहानी खत्म है जिंदगी भर तक। बाकी अभी हमारे चैनल की कहानी खत्म नहीं हुई है, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए।